देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चरखा आजादी की लड़ाई में बहुत से लोगों का हथियार बना, जहां इसने आत्मनिर्भर होने का भाव जगाया, वहीं विदेश में भी अब ये लोगों की जिंदगी में मेडिटेशन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज चरखा जरूरी होते हुए भी देश के घर घर से बेघर होने लगा है, जबकि विदेशों में इसका निर्यात अब भी हो रहा है। गांधी पूरी दुनिया में अहिंसा के लिए विख्यात हुए और उनके मुताबिक अहिंसा की कोई निशानी है तो वो है चरखा। गांधी हर एक सभा में कहते थे कि चरखा वो मंच है जिसका चक्र घुमाते ही सब एक जैसे हो जाते हैं। इसलिए जब कोई स्त्री या पुरुष रोज आधा घंटा चरखा चलाकर सूत काटता है, तब वो जन समाज की भरसक अच्छी से अच्छी सेवा करता है। आज गांधी जिंदा होते तो वो आज भी चरखा की वकालत करते। अमेरिका में हाल के दिनों में चरखे की मांग काफी बढ़ी है। 2007 में 80 से 90 तरीके के चरखे विदेश में खरीदे गए। चरखे से सूत काटना एक तरीके से पूजा है। जब दोनों हाथों में कपास लेकर धागे को बनाया जाता है तो सूत काटने वाले का दिमाग सूत के धागे पर केंद्रित हो जाता है। महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे एक ढाल के साथ सूत काटते थे, जिसका इस्तेमाल एकाग्रता के लिए होता था। इसी आधार पर कई देशों में चरखा ध्यान लगाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। देश में चरखे का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इसमें सुधार गांधी जी के जीवन काल में हुआ। सबसे पहले 1908 में गांधी को चरखे की बात सूझी, तब वो इंग्लैंड में थे। वो चाहते थे कि कहीं से चरखा लाएं। 1916 में स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। बड़ी मशक्कत से 2 साल बाद 1918 में एक विधवा बहन गंगा ने गांधी को खोज कर चरखा दिया। गुजरात में अच्छी तरह भटकने के बाद गायकवाड़ के बीजापुर गांव में गंगा बहन को चरखा मिला। वहां कई घरों में चरखे थे, पर उन्होंने उसे छत पर चढ़ा दिया था। हालांकि मिलों के प्रतिनिधियों ने गांधी को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो कपड़े के लिए ज्यादा से ज्यादा मिल खोलने की बात करें। गांधी ने मिलों की दलाली करने से इनकार कर दिया और चरखा आंदोलन को आगे बढ़ाने में जुट गए। गांधी ने चरखे पर ये सोचकर जोर दिया कि इससे हिंदुस्तान की भूखों मरने वाली स्त्रियों को काम दिया जा सकता है। चरखे में संशोधन हो इसके लिए 1923 में गांधी ने 5000 का पुरस्कार घोषित किया, लेकिन कोई विकसित नमूना प्राप्त नहीं हुआ। चरखे का आंदोलन बढ़ने लगा तो 1925 में चरखा संघ की स्थापना हुई। 1929 में चरखा संघ की ओर से गांधी की शर्तों के अनुसार चरखा बनाने वाले को 1,00,000 रुपए का पुरस्कार घोषित हुआ। इसके बाद भी कोई अंतिम नमूना नहीं मिला। चरखे में आज भी संशोधन जारी है, लेकिन अब वो इस्तेमाल के बजाय प्रदर्शन की प्रस्तुति बन गया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में 25 फीट लंबे, 13 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा चरखा प्रदर्शन के लिए स्थापित किया गया है, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 30 फीट लंबा, 17 फीट ऊंचा और 9 फीट चौड़ा चरखा स्थापित किया गया है, जिसे अहमदाबाद के 42 बढ़ई ने 55 दिनों में तैयार किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सबसे पहले चरखा खोज कर लाने वाली गंगा बहन के नाम पर चरखा संग्रहालय भी बनाया गया। इस संग्रहालय में अलग अलग तरीके से 100 चरखे रखे गए हैं, इनमें से कई 150 साल पुराने हैं।
अभी हाल ही में अमेरिका से चरखे की मांग आई तो वहां 80 से 90 तरीके के चरखों का निर्यात किया गया। वहां अब लोग चरखा चलाकर ध्यान करते हैं। प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक डॉक्टर रामजी सिंह कहते हैं कि चक्की, चूल्हा और चरखा हमारी संस्कृति के अंग हैं। गांधी ने चरखे को नया जीवन दिया और स्वतंत्रता और स्वावलंबन से जोड़ा। चरखे के लिए गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता सेनानियों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। ब्रिटिश हुकूमत चरखे तोड़ती थी, खादी भंडारों पर हमला करती थी, लेकिन स्वाधीनता सेनानी पीछे नहीं हटे। उनके प्रयासों से घर घर चरखे लगने लगे थे। चरखा केवल चरखा नहीं था, वो सुदर्शन चक्र बन गया था और इस तरह देश आजाद हुआ। HS न्यूज के लिए सौभाग्य गुप्ता की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS न्यूज और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।